गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आई होप डैट यू ऑल आर वेल एंड फाइन. ओके, बी सेफ एंड बी साउंड. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक डैट वॉज डायलिसिस. ओके, येस्टरडे इन माई लास्ट वीडियो वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक डैट वॉज एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन्स. ओके, मतलब हमारे अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से होता है. उसमें हम लोगों ने एक्सहेल्ड एयर के बारे में, स्वेट के बारे में, किडनी के बारे में, इन सभी का हमारे बॉडी में क्या रोल है और किस तरह से ये हमारे बॉडी के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को हमारे बॉडी से बाहर निकालते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था. ओके, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा टॉपिक डैट वॉज डायलिसिस. ओके बच्चों, किडनी की फंक्शनिंग, किडनी की वर्किंग के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना था इन माई लास्ट वीडियो येस्टरडे. ओके, नाउ डायलिसिस, ऑल ऑफ यू प्लीज सी इट. किडनी वर्क इन पेयर्स बट देयर आर सो एफिशिएंट दैट इवन इफ वन गेट्स डैमेज द पर्सन कैन स्टिल लेड अ हेल्दी लाइफ. मतलब भगवान ने हमें किडनियाँ पेयर्स में दी हुई हैं. वी ऑल द ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ आर हैविंग वन पेयर ऑफ किडनी, दैट वॉज टू किडनीज. ओके, बट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग कैन लिव अ वेरी वेरी गुड एंड हेल्दी लाइफ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन सिंगल किडनी. ओके, मतलब गॉड ने तो हमें दो किडनीज दी हैं, लेकिन अगर कोई ह्यूमन बीइंग अपनी एक किडनी किसी को डोनेट कर दे तो वो अपनी लाइफ आराम से एक किडनी के सहारे पूरी ज़िंदगी भर आराम से वो रह सकता है. ठीक है, उसके सर्वाइवल को किसी भी तरह का साइंटिफिक या लॉजिकल वो नहीं होगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा. ओके, नाउ सी, इन केस बोथ द किडनीज आर डैमेज्ड. मान लो अगर कोई ऐसा केस हो गया किसी वजह से, बिकॉज ऑफ सम डिजीज़, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट और एनीथिंग विच वॉज नॉट बीन एक्सपेक्टेड. ओके, इफ़ बोथ द किडनीज विल गेट डैमेज देन अ पर्सन कैन सर्वाइव विथ द हेल्प ऑफ रेगुलर डायलिसिस और अ किडनी ट्रांसप्लांट. देखो बच्चों, हमारे अंदर गॉड ने दो किडनीज दी हुई हैं. ठीक है, एक किडनी के सहारे हम अपना जीवन आराम से जी सकते हैं. वी कैन लिव आवर लाइफ वेरी वेरी गुड एंड प्रॉस्परस लाइफ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल किडनी. बट बाई चांस इफ़ बोथ द किडनीज विल गेट डैमेज देन वॉट विल हैपन, देन वी विल हैव ओनली सिंगल ऑप्शन डैट वॉज द रेगुलर डायलिसिस और अ किडनी ट्रांसप्लांट. या तो कोई आपको अपनी एक किडनी ट्रांसप्लांट कर दे, मतलब आपको डोनेट कर दे. ओके, किसी भी तरह से एक किडनी ट्रांसप्लांट करके आपके अंदर लगा दी जाए ताकि आप भी एक नॉर्मल सेटल्ड लाइफ जी सको. ओके, या फिर आप रेगुलर डायलिसिस के लिए जाइए. ओके, अब ये डायलिसिस होता क्या है? सबसे बड़ा सवाल कि डायलिसिस क्या है. डायलिसिस जो वर्ड है बेटा, ये हमने ऐसा इसलिए रखा है इसका नाम, क्योंकि डायलिसिस वर्ड का हमने एक और नाम रखा हुआ है, डैट वॉज आर्टिफिशियल किडनी. ठीक है, इसको हम आर्टिफिशियल किडनी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो काम जो किडनी को हमारे अंदर करना चाहिए था वो काम डायलिसिस मशीन हमारी बॉडी के बाहर रहते हुए करती है. ओके ओके बच्चों, तो या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो जाए, मतलब या तो कोई अपनी किडनी आपको डोनेट कर दे या फिर आप रेगुलर डायलिसिस के लिए जाइए. दीज आर द टू ऑप्शंस विच अ पर्सन विल हैव इफ बोथ द किडनीज ऑफ हिम और हर विल गेट डैमेज्ड. ओके बच्चों, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे देखिए. डायलिसिस इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉक्सिक? टॉक्सिक मीन्स डेंजरस, हार्मफुल. ओके, एनीथिंग विच इज हार्मफुल दैट विल बी कॉल्ड एज अ टॉक्सिक. डायलिसिस इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड विथ द हेल्प ऑफ अ मशीन when the kidneys are unable to do so. See, ultimately as a human being or as an animal, whatever the work which the dialysis machine is doing, that was removing of toxic substances, this is the ultimate work of kidney.
बट सिंस द पर्सन इज नॉट नॉर्मल दिस पर द पर्सन विच इज गोइंग फॉर द डायलिसिस दैट पर्सन इज नॉट अ नॉर्मल वन. ओके वी कैन नॉट अप्लाई नॉर्मल पैरामीटर्स वी कैन नॉट सी हिम और हर ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन बींग पैरामीटर्स. ओके बच्चों तो ये सारे काम जो हमारे बॉडी के अंदर किडनी करती है, अगर हमारी बॉडी के अंदर बाय चांस किसी वजह से अगर वो किडनी नहीं रहती या वो काम करना बंद कर दे तो हमें रेगुलर डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि जो काम किडनी हमारे अंदर कर रही थी, यूरिन का फॉर्मेशन कर रही थी और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहा था लिवर, लेकिन अल्टीमेटली में उस यूरिया को निकाल कौन रहा था? डैट वॉज द किडनी. तो अल्टीमेटली में आप खाना तो खा रहे हो तो आपकी बॉडी में यूरिया का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन उस यूरिया को निकालने वाला कोई नहीं होगा. ओके डैट वॉज द रीज़न कि दे हैव रिटन कि डायलिसिस इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड विथ द हेल्प ऑफ अ मशीन व्हेन द किडनीज आर अनेबल टू डू सो. ओके बच्चों द डायलिसिस मशीन इज ऑल्सो कॉल्ड एन आर्टिफिशियल किडनी. इसको बेटा एक आर्टिफिशियल किडनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि रियल में तो ये किडनी है नहीं भाई. गॉड ने जो किडनी हमें दी थी या बाकी ह्यूमन बींग्स को जो दी है वो रियल में किडनी है, लेकिन डायलिसिस को आप किडनी नहीं कह सकते. बट बिकॉज दिस डायलिसिस मशीन इज़ वर्किंग लाइक अ किडनी. ओके वो किडनी की तरह हमारी बॉडी में काम कर रही है. डैट्स बाय द नेम हैज़ बीन गिवन टू इट डैट वॉज आर्टिफिशियल किडनी. ओके नाउ ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी ऑफ द आर्म इज लेड थ्रू द डायलिसिस मशीन व्हेन यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट्स आर रिमूव्ड. नाउ सी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अब डायलिसिस किस तरह से हमारी बॉडी में होता है, मतलब जिनकी बॉडी में किडनीज काम नहीं कर रही हैं उनकी बॉडी में डायलिसिस किस तरह से होता है. नाउ सी कि आप देखो यहाँ पे ब्लड फ्रॉम द आर्टरी, मतलब आप सभी लोग ये बात जानते हो और हमने ये बात पढ़ भी ली है कि हम सभी के बॉडी में आर्टरीज और वेंस होते हैं, ठीक है, और आर्टरीज में प्योर ब्लड फ्लो होता है और वेंस में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, ठीक है. तो हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेंस ये दो तरह के कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं जिनके हेल्प से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है. ओके तो इस ब्लड के साथ साथ तो भाई यूरिया भी सर्कुलेट हो रहा है जिसको सर्कुलेट नहीं होना चाहिए. जैसे आम तौर पे अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो हमारे और आपके बॉडी में यूरिया हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि इस तरह का अरेंजमेंट हमारे अंदर बनाया हुआ है कि यूरिया लीवर में बनता है और बनने के बाद सबसे पहले वो किडनी में जाएगा, किडनी में वो फिल्टर हो जाएगा, उसके बाद किडनी का ब्लड हमारे बॉडी में आएगा, ठीक है. अब क्योंकि पेशेंट के बॉडी की किडनी काम नहीं कर रही है, वो मजबूर है, तो उसको यूरिया अपनी बॉडी में लेके रखना पड़ेगा. ओके जब डायलिसिस का टाइम आएगा एक या दो दिन के बाद, जब वो डायलिसिस करवाएगा तो उसकी बॉडी का सारा जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो बाहर निकलेंगे. ओके तो ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी ऑफ द आर्म इज लेड थ्रू द डायलिसिस मशीन. तो हमारे हाथों के थ्रू हमारी आर्टरी में से ब्लड को निकाल करके डायलिसिस मशीन में डाला जाता है वेयर यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट्स आर रिमूव्ड. ओके हमारी बॉडी का एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट और यूरिया इन दोनों को हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. ओके द ब्लड इज देन लेड बैक टू द पेशेंट्स बॉडी थ्रू अ वेन और उस मशीन में प्योरिफिकेशन की प्रोसेस होने के बाद जो ब्लड बचा हुआ है उस ब्लड को वापस से हमारी बॉडी के वेन्स में डाला जाता है. ओके द ब्लड इज देन लेड बैक टू द पेशेंट्स बॉडी थ्रू अ वेन इन अ किडनी. इन अ किडनी ट्रांसप्लांट एटलीस्ट वन ऑफ द डिजीज्ड किडनी इज रिप्लेस्ड विद द हेल्दी किडनी फ्रॉम अ डॉक्टर. ओके मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो हमने पढ़ लिया आर्टिफिशियल किडनी के बारे में, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है. तो भाई किडनी ट्रांसप्लांटेशन अगर आप कभी भी करते हो तो एटलीस्ट कम से कम एक किडनी का जुगाड़ हो जाए तो सही है. एक किडनी अगर किसी भी तरह से मिल जाती है आपको, कोई अगर आपको डोनेट कर देता है, इट्स वेल एंड फाइन,
that that person will be the god. ओके तो बच्चों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को हमने दी है अबाउट द डायलिसिस, कि मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए भाई किडनी के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, एक्सहेल्ड एयर इनहेल्ड एयर के बारे में पढ़ लिया, स्वेट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि बाई चांस अगर हमारी बॉडी में किडनी न रहे तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी खुद की किडनी नहीं है, दे हैव टेकन देयर किडनी फ्रॉम समवेयर एल्स, ओके। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, जब तक आपको कोई डोनर नहीं मिलता है तब तक अप टू डैट टाइम यू विल बी कंपेल्ड, आप मजबूर हो जाओगे डायलिसिस करवाने के लिए। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारे देश में या फिर साइंस फील्ड में डायलिसिस मशीन का इन्वेंशन काफ़ी पहले हो चुका था, ठीक है, और बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। ओके बच्चों, ओके नाउ प्लीज़ टर्न ओवर द पेज, पेज नंबर 154। देखो बच्चों ये एक छोटा सा पार्ट है आप लोगों का पेज नंबर 154 पे, एक्सक्रीशन इन द प्लांट। अभी तक तो हम लोगों ने एनिमल्स के बारे में पढ़ा है ना, एयर के बारे में, डायलिसिस के बारे में, किडनी के बारे में, दीज ऑल वेयर फोकस्ड ओनली ऑन द एनिमल्स। अब देखो यहाँ पे प्लांट के अंदर कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिसको कि हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके नाउ सी द मेन प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय द प्लांट्स आर, मतलब हमारे जो प्लांट्स हैं वो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको अपने अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। फर्स्ट नंबर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब देखो बच्चों यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का नाम लिखा हुआ है। दोनों का नाम क्यों लिखा है, क्योंकि दिन के वक्त में एट द टाइम ऑफ डे प्लांट विल रिलीज ऑक्सीजन, मतलब दिन के वक्त में प्लांट के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, गैशियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, और रात के वक्त में गैशियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होता है। दिन के वक्त में फोटोसिंथेसिस होगा, रात के वक्त में रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि दिन के वक्त में सनलाइट होती है और रात के वक्त में सनलाइट नहीं होती है, ठीक है बच्चों। नाउ सी कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन द प्लांट। ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। आगे देखिए एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। देखो बच्चों अगर आप लोग प्लांट में ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालते हो, ठीक है, या चलो ठंड का मौसम है और आप लोगों ने पौधे का ठीक से ध्यान नहीं रखा, या फिर आप ध्यान इतना ज़्यादा आप उसका ध्यान रख रहे हो कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा उसमें वाटर डाल दिया, ठीक है, तो एज़ पर द पार्ट ऑफ रूटीन वाटर जितना एब्जॉर्ब होगा रूट से वो तो एब्जॉर्ब होगा ही, लेकिन वो वाटर जिसको एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए था, जो प्लांट की कैपेसिटी से ज़्यादा है, ठीक है, वो वाटर जिसकी ज़रूरत हमारे प्लांट को नहीं थी बट बाय कंपल्शन बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन वो वाटर हमारी बॉडी में, मतलब प्लांट की बॉडी में आ गया। ओके तो इसको निकालना इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, डेट वॉज द एक्सेस वाटर। इट इज़ एक्सक्रीटेड थ्रू द स्टोमेटा एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ओके नेक्स्ट नंबर देखिए एक्सेसिव सॉल्ट्स। इफ देर इज अ हाई लेवल ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द वाटर और इन द सॉयल दीज यूजुअली गेट डिपॉजिटेड इन द प्लांट एज क्रिस्टल्स, ठीक है बच्चों। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स अगर कभी भी प्लांट्स में एकुमुलेट हो जाता है तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ़ देर इज़ हाई लेवल ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन द वाटर और इन द सॉयल दीज यूजुअली गेट डिपॉजिटेड इन द प्लांट एज क्रिस्टल्स। भाई कोई भी प्लांट होगा वो अपने रूट से वाटर को तो एब्जॉर्ब करेगा, अब उस वाटर के साथ साथ अगर एक्सेस अमाउंट में मिनरल्स या फिर सॉल्ट अगर आ जाएँ तो इस सॉल्ट्स को और निकालना भी प्लांट की अपनी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए गम रेजिन्स एंड द लैटेक्स। मैनी ओल्डर प्लांट्स गेट रिड ऑफ देयर टॉक्सिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गम रेजिन्स एंड लैटेक्स। अब देखो बेटा हमारी दुनिया में इस अर्थ पे कई तरह के प्लांट्स हैं, सभी प्लांट्स अपने अपने टॉक्सिक सब्सटेंसेस को अलग अलग तरीके से अपने अंदर से बाहर निकालते हैं, ठीक है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर के टॉक्सिक सब्सटेंसेस को गम रेजिन और लेटेक्स के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। वी यूज़ दीज सिक्रेशंस टू मैन्युफैक्चर पेंट
वर्निश, रबर एंड एडेसिव्स। आज मार्केट में मिलने वाला पेंट, वर्निशेस जो आप वुड के ऊपर मारते हो, रबर जो आप लोग यूज़ करते हो, एडेसिव्स कई तरह के स्टिक करने वाले जितने भी केमिकल्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं वो सारे, इनको बनाने के लिए आप लोग गम, रेजिन्स और लेटेक्स का यूज़ करते हो। ठीक है बच्चों, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको समझ लिया आप लोगों ने, तो बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, एंड वेट फॉर माई वर्कशीट। ओके बच्चों, ओके।